अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यूट्यूब पे खुश आमदीद कहती हूँ। आए मैं आज का डिज़ाइन बताती हूँ व्यूवर्स। ये मैंने क्लासें बिठाई हुई हैं, उसमें ये हमने आज की क्लास में डिज़ाइनिंग बनाई है, तो मैं आपसे भी शेयर करने जा रही हूँ। ये देखें, ये शर्ट का कपड़ा था और मैंने इस शर्ट से ये इतना प्यारा मैंने फ्रॉक बनाया है व्यूवर्स। ये आपके सामने है, देखें। ये मैंने ऐसे इस कपड़े की ना, मैंने चौरस कपड़ा मैंने लिया है व्यूवर्स, उसकी मैंने नीचे से गोल कटाई की है व्यूवर्स, और ये फ्रिल मैंने लगाई है इसकी। ये देखिए, ये प्लेटें डाल डाल कर ना ऐसे व्यूवर्स, ये मैंने फ्रिल तैयार की है, इसको मैंने ये फ्रिल लगाई है व्यूवर्स। इसके साथ मैंने ये वाला कपड़ा कंट्रास्ट किया है, ये शर्ट का कपड़ा है और ये जो है कपड़ा है ना, ये मेरे पास पड़ा था, मैंने इसके साथ मैचिंग की है व्यूवर्स। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से बनाया है। यहाँ तक व्यूवर्स मैंने ये इतनी मैंने, क्योंकि ये शर्ट थी ना, तो ऐसे मैंने लंबाई में बटन इधर से बटनों वाली पट्टी थी वो काट दी मैंने, तो ये काफ़ी लंबी थी, तो ऐसे मैंने लगा कर ना अगला पिछला हिस्सा काटा। तो ये देखें व्यूवर्स, ये नीचे वाली मैंने गगरी तैयार कर लिया और ये वाली व्यूवर्स मैंने ऊपर पेटी बनाई है। ये देखें, ये देखें ऐसे करके लगा करना, तो मेरे पास एक जैसा कपड़ा नहीं था, तो मैंने इधर यहाँ पर मैंने जोड़ लगाया है लगा कर। तो भी बस इसके नीचे ना मैंने भी बस ये देखे, मैंने प्लास्टिक लगाई है। ये देखे ये जो पीस मैंने इसके साथ जोड़ा था ना बॉडी के साथ, तो इसके साथ मैंने ऐसे करके ना ये यहाँ पे मैंने रबड़ लगाया है, रबड़ के साथ देखो भी बस कितनी प्यारी ये चुनटे डाल गई हैं, कितनी प्यारी ये चुनटे डाल गई हैं बस। ये देखे फिर मैंने सीधी पट्टी ली है, काटी है, काट कर बस इसके मैंने इधर से किनारा मोड़े और सीधी तरफ रख करना। ये देखें बस मैंने ऐसे सिलाई लगाई है, ऐसे पकड़ के सीधी तरफ लगा कर इसमें मैंने पहले ये देखें चुंडे डालनी है इस पूरी पट्टी में। ये देखें बस बैक साइड पे भी बस ये देखें बैक साइड पे भी ऐसे चुंडे डालनी है और ये देखें इधर भी। ये जब सब मैंने चुंडे डाल ली तो अभी बस ये देखें गोल गला कितना प्यारा और कितना खूबसूरत बन गया अभी बस। इस पे टाइम बहुत लगा है, इसलिए कि ये जो फ्रिल मैंने तैयार करनी थी ना, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। ये डबल डबल होगी ना, एक तो ये ऊपर वाली साइड होगी और एक ये बैक वाली बैक साइड होगी भी बस। ये देखें इस तरह इसकी शेप आई है भी बस। ये देखें यहाँ से बाजुओं का, ये देखें जब से ये मोटे हैं भी बस। ये देखें तो ये आपके सामने है कैसे सिलाई हुआ है। आई मैं बैक साइड दिखाती हूँ, ये देखिए ये इसकी बैक साइड है। इधर भी मैंने ऐसे की है, ये फ्रिल मैंने लगाई है और ऐसे मैंने प्लेटें डाल कर ये लगाई है बस। ये देखिए ये रेशमी कपड़ा है, इसलिए मैंने लगाया है कि ये कॉटन भी जो फैब्रिक है ना, ये भी सर्दियों वाला है, तो ये जो कपड़ा है ना, तो ये मेरे पास ना लेदर का कपड़ा था मोटा है, तो इसलिए ये लगाई है कि ये चुन मुन ना हो, जब ये बच्ची डालेगी तो ऐसे खिला खिला लगेगा। तो इधर देखें ये ऐसे चुनटे आ गई और बस ये देखें पीछे से भी ऐसे ही गला बना है, जैसे ये देखें बैक साइड से भी ऐसे गला बना है और सीधी तरफ से भी ये देखें बस ऐसे ही गला बना है। उम्मीद है आज का मेरा काम आप पसंद आएगा। आए मैं एक और डिज़ाइन दिखाती हूँ बस। ये देखें इस फ्रॉक के साथ ये मैंने पैंट शरारा बनाया है बस। ये शर्ट का कपड़ा बच गया था, तो ये इधर ही ये वाला जो कपड़ा था मेरे पास थोड़ा था ये लेदर का, फिर मैंने ना इसके आगे ना ये ऐसे करके ना अमरेली कटे अमरेला कटिंग की है कर कर, तो मैंने ये देखें शरारा बना दिया, इसका पैंट शरारा बन गया। तो भी बस यहाँ देखें इस तरह मैंने यहाँ पे ये तितली बना के लगाई है और इतना अच्छा और ख़ूबसूरत लग रहा है बस। ये बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें ऊपर मैंने इस तरह मैंने इलास्टिक डाला है, ये देखें इस तरह, और ये देखिए अभी बस आपके सामने है। ये शेल्टर्स में से मैंने कितना खूबसूरत ड्रेस बना लिया है, ये देखें आप। आए मैं अगला ड्रेस दिखाती हूँ। ये देखें ये मेरा दूसरा डिज़ाइन है, ये जर्सी थी विवज, और ये इतना सारा जो पीस था ना, तो ऐसे सीधा ही ऐसे बना हुआ था ऐसे। तभी बस जब मैंने जर्सी काटी है ना, तो ये वाला तो यहाँ पे मैंने सेट कर लिया। फिर ये जो इतना कपड़ा है ना, जो मैंने दोबारा ये देखें जोड़ लगाया हुआ है ये वाला विवज, इसके साथ मैंने मैंने कहा ये ऐसे ही ज़ाया हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। तो भी बस ये देखें पूरी ये जो बॉडी है ना, तो ये देखें सारी नगों की भरी हुई है और कितनी खूबसूरत है। ये देखें बस ये जर्सी थी जो एक 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 साइड से मैंने पल्ला उतारा है ना, तो ये मैंने ये ऊपर वाली बॉडी मैंने तैयार की है,
फिर ये छोटी पड़ रही थी बस, फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने जोड़ लगाया। ये भी कितना सफाई से और कितना प्यारा लगा हुआ है बस, ये देखे। और जो बैक साइड थी ना बस, ये मैंने काट करना तो बस ये देखे कितनी मैंने ये नीचे वाली जो गगरी है कितनी प्यारी चौड़ी वाली मैंने ये तैयार की है बस। फिर मेरे पास कपड़ा कम था तो ये मेरे पास एक पट्टी थी तो बस मैंने खींच खूँच करना इसी को मैंने पूरा कर दिया। मैंने कहा चलो इसकी साथ का तो है ना, तो बस ये देखें रेडीमेड की तरह आप देखें जो पच्ची पहनती है ना, ये जो चोड़ी होती है ना ये डूंगे के ऊपर आती है ना, तो ये भी बस बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा लगता है। ये देखें जो इसके जर्सी के बाजू थे वही काट कर मैंने ये भी बस बना दिए। और देखें खुद देखें आप, ये देखें इधर भी मैंने आगे पैज लगाया है विवाह, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। आइए मैं बैक साइड दिखाती हूँ इसकी, ये देखें ये जो जिप थी ना ये ऐसे ही लगी हुई थी ये मेरा दरमियान वाला हिस्सा ऐसे ही मैंने उतार लिया, ये बैक साइड पे मैंने इस्तेमाल की है विवाह। ये देखें इधर पीछे कोई जोड़ वगैरह नहीं आया, ये देखें आप, ये बिल्कुल ये इस तरह कितनी फिट फाट ये वाली नीचे वाला हिस्सा मैंने लगाया है, चोंटे डालकर ये प्लेटें मैंने डाली हैं ऐसे करके भी बस, ये आपके सामने है। ये जो जर्सी थी ना ये जोड़ भी पहले के थे इसके अंदर, ये जर्सी के अंदर बना हुआ था वो तीरा जिसे कहते हैं वो भी बस बना हुआ था इस साइड पर भी बस। तो ये जर्सी से कितना खूबसूरत देखें, ये 8 साल की बच्ची का लिबास बना है, ये देखें आप फ्रॉक कितना प्यारा बना है, ये देखें आपके सामने है। और मैं आप इसके साथ आपको पजामा दिखाती हूँ, विवस ये देखें इसके साथ का, ये मैंने ना जैसे धोती शलवार होती है ना उस स्टाइल का मैंने ये बनाया है पजामा, ये देखें इधर मैंने ऐसे पैज लगाया है विवस, ये देखें ऐसे पैज लगाया है। और ये जो है ना विवस ये पॉकेटें लगी हुई हैं, ये देखें। और विवस ये देखें ये भी एक जर्सी नुमा कपड़ा था तो इसके साथ मैंने मैच किया था, जो इसमें ये नग विवस लगे हुए हैं ना तो इसके साथ मैंने मैच किया था। ये देखें ये पॉकेटें लगी हुई हैं, पैंट नुमा बना हुआ है अभी बस ये। और ये देखें यहाँ पे मैंने प्लेटें डाली हैं, इसकी खूबसूरती हो गई है। और अभी बस ये देखें आपके सामने, ये देखें इधर भी इसी तरह ही है, जैसे इधर है वैसे ही इधर है अभी बस। और ये देखें ऊपर मैंने ना अलग से ये वाली मैंने ऊपर वाला हिस्सा तैयार किया है, और इसके अंदर ना मैंने ये देखें अभी बस चैड़े वाला इलास्टिक मैंने डाला है। तो ये जब बच्ची डालती है ना तो अभी बस ये देखे बैक साइड ये लचक वाला कपड़ा है अभी बस, और इतना प्यारा है ये मैंने देखे इसके साथ कंट्रास्ट करके मैंने बनाया है। ऐसे लगता है ना जब ये डालती है तो ऐसे लगता है ना कि जैसे कि वो धोती शलवार होती है ना ढिलक जाता है कपड़ा ऐसे, ये देखे कितना खूबसूरत और कितना प्यारा अभी बस लग रहा है। उम्मीद है आज की मेरी डिज़ाइनिंग आपको अच्छी लगेगी प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, मेरा हौसला अफजाई करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और शेयर करना, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।